कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने मध्य प्रदेश को जकड़ना शुरू कर दिया है। हालात ये हैं कि जिस तेजी से इसके मरीज बढ़े हैं, उसी तेजी से इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन बाजार से गायब हो गया है। अब जरूरतमंद दुकान दुकान भटक रहे हैं, लेकिन उसके इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 31 मई के बाद लॉकडाउन से राहत मिलने लगेगी। शुरुआत उज्जैन से हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत दे दिए हैं। बुधवार को उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कहा कि 31 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। इसके बाद 1 जून से धीरे धीरे जिलों को खोला जाएगा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जहां पूरे देश लड़ रहा है, वहीं संकट की स्थिति को काबू में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ही आज बुधवार को राजधानी के मालवीय भवन के ड्रग स्टोर में 100 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर मिले हैं, जिस मौके पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। आपको बता दें कि यह कॉन्स्ट्रक्टर विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार 18 मई को एक दिन में 72,000 से ज्यादा कोरोना के सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट में 5,065 पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमण दर भी घटकर 7% हो गई है। इसकी वजह रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा होना है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गौमूत्र से कोरोना ठीक होने वाले बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गौमूत्र की शीशी कुरियर के जरिए भेजी है और उनसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के दावे का वैज्ञानिक आधार मांगा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में प्रभारी मंत्री की पत्नी के ड्राइवर का नाम आने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आरोप लगाया है कि मंत्री का परिवार इंजेक्शन बेच रहा है। उन्होंने मंत्री तुलसी सिलावट से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में एसआईटी ने मोखा के फरार चल रहे बेटे हरकिरण सिंह मोखा सहित रीवा के सुनील मिश्रा और राकेश शर्मा को भी आरोपी बनाया है। अब तक इस मामले में मोखा दंपति सहित 8 आरोपी बनाए जा चुके हैं। मुरैना एसपी सुनील कुमार पांडे का तबादला कर दिया गया है। मुरैना जहरीली शराब कांड के बाद उन्हें यहां भेजा गया था, लेकिन जिले में माफिया हावी होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने के कारण हटा दिया गया। ललित शाक्यवार मुरैना के नए एसपी होंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने लागू लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद हैं। इस वजह से लोगों की माली हालत खराब है। इसको लेकर भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रदेश सरकार से मध्य वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताऊते के कहर से पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को प्रदेश के 30 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भी नॉर्थ एमपी में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और राजधानी समेत बाकी प्रदेश में बूंदाबांदी हल्की बारिश होने की संभावना है।